नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जरा सी भी कोई कमी नहीं आई है, बल्कि वैश्विक नेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। 5 नवंबर को जारी किए गए इस डेटा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 13 राष्ट्राध्यक्षों को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल, इटली के मार्को द्रागी, जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल भी पीएम मोदी के लोकप्रियता के ग्राफ से काफी पीछे हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में सामने आया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई थी। देश में ऑक्सीजन की कमी, मौतों की संख्या में इजाफा ने उनकी अप्रूवल रेटिंग को भी काफी प्रभावित किया था, लेकिन उन्होंने इस हालातों से बहुत जल्द ही निजात पा ली। इससे पीएम मोदी के अप्रूवल रेटिंग में काफी सुधार आया है।